हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एंड्रो गेमर्स में। और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड थे, मेरे व्यूवर्स ने बताए हैं कुछ पॉइंट, तो इनमें से तीन पॉइंट है मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है इस बारे में, और आई होप क्या मैं श्योर ही हूँ कि एस प्लेयर से ऊपर ये किसी को पता भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न है आपके बारे में, मतलब कि ये काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने बताया है कि जो कुछ इस तरह के टॉपिक हैं, जैसे कि स्टोर में जो बैट परचेसेस का है, बैट स्टिकर्स होते हैं ना, मैं जो आपको तो शो मल्टीप्लेयर शॉप में जो बैट स्टिकर्स होते हैं, क्या इनसे टाइमिंग इम्प्रूव होती है जो हम कॉस्टली ख़रीद लेते हैं? तो काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ होती है टाइमिंग इम्प्रूव, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा भाई ये सब झूठ है। बैट स्टिकर से कभी भी टाइमिंग इम्प्रूव नहीं होती। हाँ, जो प्रीमियम जो बैट स्टिकर्स हैं उनसे एक फ़ायदा ज़रूर है कि अगर आप प्रीमियम बैट स्टिकर्स को बाय करते हो तो आपके एज काउंट कम हो जाता है। जैसे टॉप एज लगता है ना आपका किसी बॉलिंग पे, ये देखिए 2000 एमपीस के हैं, टॉप एज वगैरह लगता है तो वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी, मतलब टॉप एज वगैरह एज काउंट मतलब के कम हो जाएगा। तो ये आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है बैट स्टिकर से। बाकी जो टाइमिंग वगैरह का बोल रहे हैं भाई, टाइमिंग नहीं ऐसे इम्प्रूव होगी, टाइमिंग के लिए तो आपको स्किल चाहिए ही चाहिए। तो बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, लेजेंड भी एज लगा देते हैं। तो जो दूसरा डाउट था वो था स्टोर में कि जब हम, वैसे मैंने पिछली वीडियो में उसे कवर किया था कि जो ट्रेन योर प्लेयर होता है, प्रोफाइल में जाके सेक्शन में जैसे हम किसी प्लेयर को ट्रेन करते हैं, तो किसी व्यूवर ने हमारे कमेंट किया था, ये देखिए यहाँ से हम टिकट्स लगा के, तो वो बोलते हैं कि इससे प्लेयर की स्किल भी बढ़ जाती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वरना मॉरिस का ही हम 99 कर देते। कुछ हैकर्स तो हैं भाई जो टिकट्स वगैरह अनलिमिटेड लेके फिर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मल्टीप्लेयर में ये होता है। फिर भी मैं आरसी से एक बार ज़रूर कन्फर्म करूँगा ये ट्रेन योर प्लेयर होता क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक प्लेयर की अगर पावर हम यहाँ पर पता कर सकें, यहाँ पर तो सारे ही ट्रेन हो रहे हैं ना, मतलब कि ओवरऑल ही हो रहा है, कोई स्पेसिफिक प्लेयर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मुझे पता करना पड़ेगा आरसी से, कोई इसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ, पर 99% श्योर हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लेयर पे, क्योंकि प्रोफाइल सेक्शन में है ना कि किसी रैंक्ड मोड में जाके या फिर मल्टीप्लेयर मोड में जाके। तो भाई टिकट्स वाला फंडा मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। तो जो भाई अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिबल है, मतलब कि मेरे को एक बताया है मेरे व्यूवर ने कि जो है कंट्रोल्स के बारे में। कंट्रोल्स भाई इस तरह के कि आप भी चकरा जाएंगे, मैं भी यार सोच के हैरान रह गया, इतनी बारीकी से गेम को उसने ऑब्जर्व किया है बंदे ने यार। जब आप एक आगे शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा आपको, क्लिप में देखना, मैं आपको इसके बारे में पता भी करूँगा। ये बटन कंट्रोल्स के लिए है, जो बटन कंट्रोल्स होते हैं ना उनका कलर चेंज होता रहता है ओवर यूज़ के बाद। जब कई बार हमने नोटिस किया होगा ना कि जब हम एडवांस मारते हैं फुल पेस पे या फिर पुल मारते हैं, तो पुल पे आपको लगता होगा कई बार यार मिस टाइम कैसे होगा, लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हमारे बटन की ओवर यूज़ की वजह से होता है। तो आगे क्लिप दिखा रहा हूँ मैं, तो उस क्लिप से आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने वो गेम प्ले करके देखा, उसको देखा यार वाकई बंदे ने सच बोला है। ये देखिए, अब आप अपना वो देखिए बैकफुट वाला बटन का कलर देखिए, वाइट है ना, देखिए। अब ये मैं इसे ओवर यूज़ करूँगा एक दो डिलीवरीज के लिए, देखना इसका कलर, देखना भाई कैसे चेंज होता है। मैं भी यार हैरान रह गया था, मेरे व्यूअर ने बताया तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूँ। ये देखिए, अब मैं पुल पे मिस टाइम करूँगा, बैकफुट को यूज़ करूँगा ओवर यूज़ के लिए। ये देखिए, हम ज़्यादा बार दबा देते हैं कई बार, डबल ट्रिपल लेने के चक्कर में ना हम ज़्यादा बार इसे दबा देते हैं, इसीलिए ये। अब देखना उसका वाइट कलर था ना, तो भाई ये देखिए कलर चेंज हो गया उसका ओवर यूज़ की वजह से। अब मैं फ्रंट फुट पे ही मारूंगा क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया है। ये थोड़ी देर बाद अपने बाद एक दो बॉल के बाद ये रिस्टोर हो जाता है इसका कलर, तो बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे, और अब समझ भी आया कि कैसे इसे खेलते हैं, रियल क्रिकेट वाकई में रियल क्रिकेट है, बस कुछ हैकर्स ने इसका काम तमाम कर रखा है, बाकी तो सही जा रहा है। ये देखिए ओवर यूज़ है ना,
कितनी पहले टाइमिंग की, ये देखिए लेट हो गया। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मतलब कि इतने गेम खेल ली है फिर भी ये इस चीज़ का हमें पता नहीं था। तो थैंक यू भाई, ऐसे ही आप लोग बने रहें, आगे भी मेरे पास 3-4 और टॉपिक हैं तो मैं वो बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही भाई। तो अगर किसी ने कोई भी क्यूरी है आपकी तो मुझे ज़रूर पूछिए, इंस्टाग्राम का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, मेरी ईमेल का भी लिंक होगा। सो थैंक यू गाइस।